मैं तान्या मौर्य, आपके साथ स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में दुनिया की प्रसिद्ध सेरामिक ब्रांड कंपनी आरएके सिरामिक की तरफ से पहला लग्जरी एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया है। यह उत्तर प्रदेश का फ्लैगशिप शोरूम होगा, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा मूल्य पर अलग अलग तरह के सेरामिक टाइटल के उत्पाद उपलब्ध होंगे। वहीं कंपनी के पास तकरीबन 10 फ्लैगशिप शोरूम है। अब राजधानी लखनऊ को मिलाकर ये 11वां शोरूम होगा। मैं अनिल बिजावत रैक इंडिया का सीईओ हूं और रैक सिरेमिक्स का ये यूपी में पहला डिस्प्ले सेंटर है। ये अपने आप में अनूठा इसलिए है कि इसमें हमने हमारे सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं वो सारे डिस्प्ले किए हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो ऐसी नए आइटम्स हैं जो मोज स्केल पर जैसे 9 एक टाइल की वैरायटी होती है जो मेरे ख्याल से हार्डेस्ट मटेरियल है, जिसको डायमंड के अलावा कोई दूसरी चीज स्क्रैच नहीं कर सकती है। राजधानी लखनऊ में यातायात को सुगम बनाने के लिए मंडलायुक्त रोशन जैकब ने नगर आयुक्त के साथ बैठक की। इस बैठक में मंडलायुक्त ने लखनऊ के प्रमुख चौराहों के मरम्मत के लिए आयुक्त इंद्रजीत सिंह को टेंडर प्रक्रिया शुरू कर जल्द कार्य कराने को कहा। प्राइम टीवी को जानकारी देते हुए लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी की सड़कों पर सुगम यातायात के लिए मरम्मत वाली प्रमुख चौराहे की सड़कों की टेंडर प्रक्रिया की तहत मरम्मत कराई जाएगी। माननीय प्रभारी मंत्री जी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के माननीय सुरेश खन्ना जी द्वारा अपने मीटिंग में ये निर्देशित दिया गया था कि ट्रैफिक को लेके चौराहों पे जितना भी अतिक्रमण है या और भी जो साइंटिफिक इंटरवेंशन करके उसको ठीक किया जाए। पहले चरण में हमने अर्जुनगंज अहमामऊ चौराहा लिया था, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। उसको देखते हुए सर के द्वारा पॉलीटेक्निक और अवध चौराहा कहा गया है, जिसका सर्वे करा लिया गया है। उसमें भी जो हम लोग जितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस पहली मार्च से पहले दोनों चौराहों को हम टेकअप करेंगे। इसके बाद एक एक चौराहा टेकअप करते हुए सारी एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग जो चौराहों पे ताकि जो कंजेशन होता है उसको कम कर सकें। इसके साथ साथ जो हमारा ये थूकना मना है कैंपेन चल रहा है, उस कल ये शुरू किया गया है और ये शासन द्वारा जो G20 GAs के साथ जोड़ के जो हमने फसाड या सिटी ब्यूटिफिकेशन पर काम किया है उसको आगे मेंटेनेंस के लिए ये कैंपेन चला है। इसमें जो हमारा है एक व्यवहार परिवर्तन के लिए है, जितने डिवाइडर पेंट हुए या वॉल पेंटिंग हुई है, फसाड पेंटिंग हुई है, हॉर्टिकल्चर का काम हुआ उसको लेके एक जागरूकता का अभियान है, जिसमें हम लोग NGO, ऑटोस, यूनियन, अलग अलग लोगों से बात करेंगे और कन्विंस करेंगे कि जो ये हम लोग का पब्लिक स्पिटिंग करते हैं उसको ना किया जाए, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ हजार्ड भी है और हमारे जो सिटी है उसको जो ब्यूटिफिकेशन को भी ख़राब करता है। और पर्स्यूशन के बाद फ़ाइन का भी प्रोविज़न है, 250 रुपये तक का फ़ाइन है और एक प्रोविज़न है नेम शेम का। और लेकिन हमारा जो मेन है कि पर्स्यूशन से हम लोग लोगों को व्यवहार परिवर्तन में करें और इससे कल से हमारा कैंपेन ये स्टार्ट है। सर, एक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था को लेकर के लगातार IRS किया जा रहा था, ट्वीट किया जा रहा था मामा चौराहे से लेकर डंडिया बाजार, वहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करता। उसका जो है मेरे द्वारा दिखाया गया था उसमें एजेंसीज का डिफरेंस था, पहले PWD NH का विवाद था लेकिन विवाद को सुलझा लिया गया है। अब जो है नगर निगम जल्दी उसमें आपको रिजल्ट भी दे देगा। उत्तर प्रदेश नगर...
नगर निगम 23 फरवरी से 1 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम है थूकना मना है। जी हां, शहर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को धरातल पर उतारा जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 50 रुपए से 250 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। राज्य मिशक निदेशक स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहर की सुंदरता को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके का अब जो स्वच्छता अभियान को लेकर के अभी कवायद की जा रही है, किस तरीके के अभियान अब शुरुआत की जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल सिटीज़ करके एक पूरी कवायद शुरू की गई थी, जिसमें सभी नगरों को वैश्विक मापदंडों पर खरा उतरने के लिए प्रेरित किया गया। और इस पूरी श्रृंखला में बहुत सारे उप अभियान स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के द्वारा चलाए गए। अभी हाल फिलहाल में G20 की मेज़बानी लखनऊ और आगरा में देखी गई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसमें जो भी सौंदर्यीकरण हुआ, सिटी एस्थेटिक वैल्यू एडिशन हुआ, वो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे थे कि स्पिटिंग, लिटरिंग जैसी तमाम चीज़ों से खराब होने की तरफ बढ़ रहा था। तो एक प्रयास ये किया गया है कि जो पेनाल्टी इम्पोजिशन है हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत, उसको सख्ती से उसका क्रियान्वयन कराया जाए। और नो स्पिटिंग के लिए मैं भी जो पीकू करके एक अभियान चलाया जा रहा है, ख़ास तौर पर आगरा और लखनऊ में, जहाँ भी लोग थूकते हुए खुले में स्पिटिंग करते हुए नज़र आएंगे, उन पर चालान लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, जो लगभग 250 रुपये के रेंज का जुर्माना है। और ये एक दंडात्मक कार्रवाई इसलिए ज़रूरी थी, एक मैसेज देने का प्रयास है कि जितना प्रतिबद्धता से शासकीय कार्य किया गया है, उसको खराब करने में अगर कोई व्यक्ति विशेष इन्वॉल्व है, तो वो उसको चालान के माध्यम से एक आदत में उसकी बदलाव को प्रेरित किया जाए। मैम, लगातार स्वच्छता को लेकर के कभी दस्तक अभियान चलाया गया, नगर सुशोभन अभियान चलाया गया और भी कई तरीके के अभियान चलाया गया, क्या लगता है कि आखिर किस तरीके से स्वच्छता पर ये पारदर्शिता आएगी और लोगों में समझ आएगी? देखिए, IEC कैंपेन्स और जन जागरूकता कैंपेन्स में मूल उद्देश्य ही यही होता है कि एक बात को बार बार कई माध्यम से कहा जाए। और निश्चित तौर पे जैसा मैं और आप भी इस बात को देख रहे हैं, आप लोग कवर भी कर रहे हैं, कि जो पिछले 3-4 महीनों में एक परिदृश्य में बदलाव दिखा है, लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन इसकी सततता और निरंतरता बनाए रखने के लिए कम्युनिटी इंगेजमेंट हर लेवल पे आवश्यक है। और इसी के लिए हमारा जो मिशन निदेशालय है और स्वच्छ भारत मिशन नगरीय है, वो प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। मैम, प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं स्वच्छता को लेकर? देखिए, प्रदेश की जनता से सभी से आग्रह है, निवेदन है कि सारी जो नागरिक शक्ति है, जो युवाओं की शक्ति है, महिलाओं की शक्ति है, संगठन की शक्ति है, वो इसी में है कि किसी भी जो प्रोग्राम है उसकी जो मूल उद्देश्य है उसमें अपनी जन सहभागिता इंश्योर करें। दंडात्मक कार्रवाइयाँ केवल किसी को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से नहीं होती हैं, नियम जो हैं उनको चलाने के लिए, नियम से लोग चलें, इस उस उद्देश्य से ये दंडात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सोर्स सेग्रीगेशन पर भी लेकर के अब कठोरता से पेनल मोड में अब हम लोग आएंगे, जो दस्तक अभियान का तृतीय चरण था उसमें भी पेनाल्टी इम्पोजिशन हमें कम से कम करना पड़े। मेरी यही अपील रहेगी कि हर कोई जो है वो सोर्स सेग्रीगेशन इंश्योर करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं के लिए विभिन्न प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मामला लखनऊ के अमेठी का है, जहां अवैध तरीके से काम करने वाली इंफ्रा कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर किसान नेता धर्मेंद्र वर्मा की अगुवाई में कई जिम्मेदारों को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं अब इस मामले में नया खुलासा पीड़ित पक्ष के वकील ने किया है। उन्होंने कहा है कि साइन सिटी अपने ग्राहकों से केस वापस लेने के लिए उन्हें प्लॉट देने की साजिश रच सकता है। पूरे मामले की विवेचना आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। इतने दिनों से जांच के बाद भी आर्थिक अपराध शाखा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी।
एक पत्र जो इनके व्हाट्सएप ग्रुपों में है, व्हाट्सएप ग्रुप है इनके कस्टमर का हक, उसमें निकला हुआ है। इसमें ये कर क्या रहे हैं कि साइंस सिटी की लायबिलिटी को कन्वर्ट करने का एक लेटर जारी किया गया है कि हम आर इंफ्रा सिटी एक कंपनी चल रही है जेवियर सिटी यूपी 32 ढाबा के पास में, उसमें करेंगे, उसमें लगभग 300 प्लाट का कन्वर्जन की बातें कही जा रही हैं। और उसमें गरुणा टीम के जो लोग काम कर रहे थे गरुणा टीम में साइंस सिटी की, उसमें पुष्पेंद्र हैं, गगन है, प्रशांत हैं, निशांत हैं और अभिषेक यादव, इन लोगों का फ़ोन नंबर और डिटेलिंग के साथ आया है कि राशिद नसीम का ये लेटर है और इस लेटर के तहत हम आपको जो है लायबिलिटी क्लियरेंस कराएंगे। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट जिम्मेदोज होने को महीने गुजर गए, लेकिन अभी भी लोगों को सरकार से इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। मालूम हो कि इस हादसे से कई लोग बेघर हो चुके हैं, जो आज किराए के मकानों में और अपने रिश्तेदारों के घर पर आश्रय लिए हुए हैं। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक इन लोगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं अब आशा अपेक्षा लगाए पीड़ित अलाया अपार्टमेंट पर इकट्ठा हुए और न्याय की गुहार लगाई। लखनऊ में जिला अधिकारी श्री सूर्यपाल गंगवार की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। बैठक में समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने ध्यानपूर्वक समस्याओं को सुनते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिक कारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। हो गया है, मैं उसमें बाउंड्री बना के एक रूम बना दिया हूँ, बट उसी में सर दो साल से उस ग्राम की ग्राम प्रधान प्रमोद द्विवेदी हैं, कब्जा करके बैठे हुए, उसे कब्जा नहीं लेने दे रहे। आपने रजिस्ट्री कराई थी? रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज है, बाउंड्री वाल है सर, उसमें एक रूम बना हुआ है और उसी खारिज हो गया है, मैं उसमें बाउंड्री बना के एक रूम बना दिया हूँ, बट उसी में सर दो साल से उस ग्राम के ग्राम प्रधान प्रमोद द्विवेदी हैं, कब्जा करके बैठे हुए, उसे कब्जा नहीं लेने दे रहे। आपने रजिस्ट्री कराई थी? रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज है, बाउंड्री वाल है सर, उसमें एक रूम बना हुआ है। संभल में शासन से गठित किए गए सीएमएफ फेलोज ने सीएचसी जुनावई का निरीक्षण किया। कमियां मिलने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही सभी स्टाफ बिना ड्रेस में मिलने पर नाराजगी जताई। सीएमएफ सुनील कुमार वर्मा ने निरीक्षण किया। 10 दिन पहले भी चिकित्सकों को निरीक्षण के दौरान ये सलाह दी गई थी कि सभी डॉक्टर ड्रेस में स्वास्थ्य केंद्र में आएंगे, लेकिन समस्त स्टाफ ने शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है, मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट लखनऊ से हूँ, सीएम फेलोज हूँ, मैं जुनावी ब्लॉक पर तैनात हूँ। मैं लगभग 16 जनवरी को यहाँ पर आया था और यहाँ सारे स्टाफ के साथ में मैंने एक मीटिंग की थी कायाकल्प और जो है कि हॉस्पिटल के हॉस्पिटल को आकर्षक बनाने हेतु। लेकिन उस समय मैंने इनको सभी को स्टाफ्स को बोला था कि यहाँ पर जो है आप सभी जो है कि प्रोटोकॉल्स है हमारा यूनिफॉर्म्स का, ताकि एक आइडेंटिफिकेशन हमारा हो सके कि मैं मरीज कौन है और डॉक्टर्स कौन है, कौन नर्स है, कौन मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स है और कौन वार्ड बॉय है। इसके संदर्भ में मैंने एक मीटिंग 16 जनवरी को की थी, लेकिन उसके बावजूद आज मैं यहाँ पर प्रेजेंट हुआ। लेकिन फिर भी मुझे ये देखने को मिल रहा था कि हॉस्पिटल स्टाफ जो है इस प्रांगण के अंदर मुझे कोई भी डॉक्टर्स स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सीएससी स्टाफ, मुझे कोई भी यूनिफॉर्म्स को फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दिया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।